तो एक महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रहा छे। नजर करवामां आव्या समाचार तरफ। समाचार अत्यारे मळी रहा छे सूरत थी के ज्यां बारडोलीमां कारमांथी थयेली लाखोनी लूंट केसमां एक नवो वळांक आव्यो। दिल्हीथी बारडोली चूंटणी माटे रूपिया मोकल्या होवानो आ पहेला पण खुलासो थई चूक्यो छे अने आपे दिल्हीथी આંગળિયા મારફતે નાણાં મોકલ્યા હોવાની પણ માહિતી સ્પષ્ટ સામે આવી રહી છે। આપ ઉમેદવાર માટે ચૂંટણી ખર્ચ કરવા રૂપિયા મોકલ્યા હતા। 45-50 લાખ આંગળિયામાંથી લઈને જતા હતા અને ત્યારે તેમની સાથે લૂંટ થઈ। લૂંટ અને અંગે ઇન્કમટેક્સ વિભાગે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે અને એક યુવકે પીછો કરતા રસ્તામાં બેગ ફેંકીને લૂંટારૂઓ ફરાર થઈ ચૂક્યા હતા। તો બારડોલીના સરદાર ચોકમાં પાર્ક કરેલી કાર હતી અને આ આખી ઘટના પરથી પર્દાફાશ થયો છે। रेंज आईजी राजकुमार पांडेन फोन लाइन पर जोड़ चुक्या छे। सर, आखी जे आ घटना प्रकाश में आवी अने जे खुलासा थया छे, सौथी पहलू आ बाबते आपनु रिएक्शन? देखिए, कल शाम को 4 बजे के आसपास जो घटना बनी जी, उसी टाइम में हमें पता चला कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से राजेंद्र सोलंकी जो उम्मीदवार, उन्होंने सौरभ पराशर नाम का ये व्यक्ति, उसके जरिए पैसा, इनके इनके पास जो इको स्पोर्ट गाड़ी थी GJ19AM6502, उस गाड़ी में परासर के बोला तुम जाके अश्विन को पैसे दे दो 20 लाख रुपया। ठीक है, उस दरमियान अश्विन के लिए वेट कर रहा था परासर, तो दो लोग आके उसके पाछे पीछे के जो कास छोड़ के पैसा लेके भाग गए थे। उसके पीछे पीछे स्थानिक आदमी आदिल, वो पीछे करा, उसके डर की वजह से वो लोग पैसे लेके चले गए थे एंड आदिल वो पैसा लेके आके पुलिस स्टेशन में दिया और उसके बाद बनावाड़ी जगह पहुंचा तो गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके ड्राइवर को बुला के पूछताछ किए और जो उनका जो उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाए और ये राजेंद्र सोलंकी प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा था पैसा कहां से आए। मीन मेल इसके पूरा डिटेल्स हम लोग इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर दिया और तपास चालू रखा था और ड्राइवर के जो इन्फॉर्मेशन ड्राइवर की तरफ से जो मिला इन्फॉर्मेशन उससे पता चला कल सिर्फ कल नहीं 6 तारीख 7 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख ऐसे कुल मिला के 4 बार ये लोग अहमदाबाद से पैसा आंगड़िया से भेजे थे। ये महेंद्र सोमा आंगड़िया है बॉर्डोली का, वहां 4 बार भेजे थे। ये सब डिटेल्स अभी तपास चल रहे। द कैंडिडेट बॉर्डोली का वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा था। हेलो, बिल्कुल सर, तो सर ये भी चार बार जो भेजे टोटल 20 लाख नहीं 41 लाख रुपया मिले टोटल। अच्छा, तो वो सब एविडेंस कलेक्ट किए, उनके जो स्लिप सब कलेक्ट किए और सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट करेंगे और तपास चालू है। SP को मैंने डायरेक्ट किया कि इनकम टैक्स और ईडी को भी इन्फॉर्म करे आगे की कार्यवाही के लिए। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे जिस कैंडिडेट की बात की राजेंद्र सोलंकी, क्या उनकी कुछ पूछताछ हुई है? उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है इस बात को लेकर? यस, उनको पुलिस स्टेशन बोला है, पूछताछ की है, वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है हमारे पास जी। वो ही इज नॉट गिविंग प्रॉपर रिप्लाई सोर्स ऑफ जो मनी जो सीज किए ये कहाँ से है, क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे। वो सिर्फ खेती का जो पास से मिला ऐसे बोल रहे हैं। He is not providing proper evidence. Then we have referred it to income tax. They will also interrogate him. ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे से बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार पांडेन रेंज आईजी ने तरफ थी कहेवामां आवी रह्युं छे के 45-50 લાખ રૂપિયા કે આંગળિયા પેઢી અને તે અમદાવાદની આંગળિયા પેઢીના મારફતે કેન્ડિડેટને જીતાડવા માટે આપના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે નાણાં દિલ્હીથી મોકલવામાં આવ્યા હતા।